अब अगर आप ये थंबनेल या फिर वीडियो का लिंक देख करके क्लिक करके कहीं से आए हो तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि आपको सुंदर नर्सरी घुमाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू द तुम भी आ जाओ। और आज हम आ गए हैं सुंदर नर्सरी में। अभी कहाँ है, हम तो अभी बाहर ही हैं। हाँ अभी बाहर खड़े हैं, काफ़ी भीड़ है, रश है काफ़ी। अभी ट्रैफिक से बचते हुए थोड़ा ठस्से में साइड से निकालते हुए स्कूटी को। आज ट्रैफिक भी काफ़ी है, ट्रैफिक भी बहुत है, लग रहा है आज ही छुट्टी मिली है सभी लोगों को। ठंडे है ना भैया। और चलो चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं आपको। दो नए लोग भी हमारे साथ, ये मेरा भाई है देव और ये है भगत। ये है मेन गेट एंट्री पे हम पहुंच चुके हैं, जा रहे हैं अब अंदर। टिकट घर है यहाँ का, टिकट पड़ेगी। ये टिकट घर है यहाँ का, टिकट घर। टिकट ले ले, 1500-1600 टिकट ले ले। मेरे हम डायरेक्ट जा रहे हैं आपका राज एंट्री। गाइस आप देख सकते हो ये सुंदर नर्सरी इतनी सुंदर है कि सुंदर इतने नर्सरी बैठ जा रही है। ये सुंदर नर्सरी इतनी सुंदर वह तू हट। ये सुंदर नर्सरी इतनी सुंदर है कि मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एक स्पेशल मैसेज तो ये है कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, तो कैश लेके चले, ठीक है ना? क्योंकि हमने तो पैटीज वाले भैया से करवा लिए, आप नहीं करवा पाओगे। पर पैटीज हमें फिर भी खानी पड़ी है, एक पनीर की आलू पैटी खानी पड़ती है तब कैश हो पाता है। Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key. कैसा फील कर रहे हो भाई सुंदर नर्सरी में आके अंदर, बताओ भाई? फील कर रहे हैं, ग्रीनरी देखने को मिल रही है काफी ज्यादा यहाँ पे। ग्रीन सा हो गया कुछ ज्यादा यहाँ आके, हरी 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 हरा भरा हो गया, दिल बाग बाग हो गया। गार्डन हाँ, गार्डन हो गए यहाँ आके। मजा आ रहा ना सही में? बिल्कुल, पार्क काफी अच्छा, पूरा एंजॉय है। 40 रुपए पूरे वसूल है। हाँ मतलब एक वर्थनेस फील हो रही है भाई कि मतलब क्यों वर्थ है अपने 40 रुपए वेस्ट करना। वर्थ ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैसे वेस्ट गए, वैसे तो वेस्ट ही गए हैं, लेकिन वैसा नहीं है कि वेस्ट गए हैं। काफी अच्छा बनाया है। हाँ वैसे अच्छा बना रखा है, अभी भी देख प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ पे सारे। पहले तो हिस्ट्री इसकी कुछ और ही है, बट अभी काफी हिसाब से काफी चेंज कर दिया है इन्होंने, मॉडर्न जमाने के हिसाब से काफी अच्छा, काफी ऑर्गेनाइज है, अच्छा मतलब काफी देखने लायक है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स लग रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं है कि आपके पैसे वेस्ट हैं, वैसे तो वेस्ट ही गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वेस्ट गए हैं। ओके गाइस, तो मस्ट विजिट दिस प्लेस। बाकी तो पूरा व्लॉग है यार, देखो अभी कहाँ जा रहे हो तुम, अभी एंजॉय करो। हाँ जर्नी एंजॉय तो करो। काफी अच्छा से लग रहा है ना, उस साइड से चल रहा है मतलब ये जगह मोस्टली और मोस्ट प्रोबेबली ना पिकनिक के लिए ही है कि फैमिली को लेके आओ। कपल्स पॉइंट बना दिया है लोगों ने आगे। नहीं फैमिली को लेके आओ और उन्हें गेट पे रखो, तुम अंदर आ जाओ। क्योंकि ये अभी कपल्स पॉइंट हो चुका है ना, तो समझ रहे हो ना आप लोग? यस, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी हम तो पूरी वीडियो बना रहे हैं। ब्लॉग का मजा लो, देखो आ जाओ भाई लोग। जूनियर साहब। गाइज ये मतलब रियल नर्सरी यहाँ पे है, वहाँ पे सामने वाली साइड पे पार्क है जहाँ से अभी हम आए हैं, और यहीं पे घूम रहे थे अभी हम। कोई भी नहीं है देख रहे हो, मतलब प्लांट्स देखने कोई नहीं आया, बस सबको मजे करने हैं यहाँ पे। ये हमारा भाई है सौरभ, और फ्लिप चैलेंज करें। हाँ चल ट्राई करते हैं अभी यहाँ पे करना। नर्सरी में बॉटल फ्लिप चैलेंज करते हुए पकड़े गए चार बंदे। कर यहाँ पे करिए, करिए बॉटल, अबे उस पर थोड़ी होगी बॉटल फ्लिप, नीचे करना जमीन पर कर।
ये है ड्यूड्स परफेक्ट इंडियन वर्जन। ये बहुत ही बढ़िया लॉल किया इसने आपका। ये देखो, ये दोनों भाई भी वहीं से प्लांट्स देख के आ रहे कॉर्नर से। प्लांट्स देख के आए कॉर्नर के भाई। प्लांट्स कैसे थे? प्लांट्स अच्छे थे, उग रहा है तरक्की से। वहाँ से भाई आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि नर्सरी की क्या क्या डिटेल्स है। अभी पहले यहाँ पे कर लेते हैं अपना बॉटल फ्लिप। ओ भाई, बस भाई बहुत बहुत बढ़िया लॉल किया भाई। अबे चल रहे हैं भाई, 6 बजे बंद हो जाता है यार। चलो ना जाएंगे गाइस। दिल्ली सरकार को आप अपनी तरफ से एक थम्स अप देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे, बताओ? दिल्ली सरकार को आप अपनी तरफ से एक थम्स अप देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे? थम्स अप देंगे हम आपको, 30 वाली थम्स अप देंगे, 30 वाली देंगे। बस इस चीज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, ये थोड़ा। दिस इज द आर्ट वर्क ऑफ इयर्स, यही तो आर्ट है पूरी उसमें नर्सरी में। बाकी छोड़ रखा आधा अधूरा है तो ये काम अधूरा नहीं छूटा हुआ है, ये काम अधूरा नहीं, ये सेट करे हुए हैं पत्थर, फिक्स्ड हैं ये पूरे। ऐसे ये है मतलब, ये फिक्स्ड है, ये हिलेंगे नहीं, तुझे लग रहा होगा हिल रहे। फैमिली के साथ कहीं टूर पे जाना हो, बीवी के साथ हनीमून पे जाना हो, तो बैग चाहिए सिर्फ स्कैबैग्स। कैसा लगता है स्कैबैग्स? स्कैबैग्स गाइस, स्काई बैग्स की कमर्शियल कर रहे हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, हम फिर भी कर रहे हैं। स्काई बैग्स क्या? ये नोमैड दिल्ली हाइट के कुछ बंदे डूब जाते हैं व्लॉगिंग में। हेमंत भाई, इतना डीप नहीं दिखाना होता, कुछ डूब जाएगा क्या बिल्कुल व्लॉगिंग में? यहाँ पे एक फोटो क्लिक करने के लिए बना रखा है मस्त सा, और ये तो कुछ अच्छा सही है। अभी हम फोटो खींचेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे शॉट्स आए हैं यहाँ पे। सो गाइस, ये जो आप सामने मॉन्यूमेंट देख रहे हो छोटा सा, दिस इज कॉल्ड लकरवाला बुर्ज। इसका नाम है लकरवाला बुर्ज, और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। वैसे हमें भी यहीं से देख के पता चला वो बात अलग है। पार्क पूरा नहीं घूमता है, बहुत ही बड़ा है यार ये, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं है। हम थोड़ा मतलब कि आलस पने से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके घूमे, चीज़ें देखते देखते, और फोटोज़ वगैरह भी खींची है 15-20, तो फिर इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया और थक भी गया काफ़ी। तो थक गए इसलिए ना, क्योंकि बड़ा भी है भाई ये। नहीं, ज़्यादा भी बड़ा नहीं, तू कह रहा बहुत बड़ा। नहीं, इतना भी बड़ा मीन्स ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर में है, ऐसा है कि लेकिन बड़ा है, थक जाओगे इतना है कि वहाँ घूमते घूमते इधर से इधर उधर पैरों में दर्द हो जाएगा। हाँ, फाउंटेन के पास ही बैठे हैं, सीन ही है। बाकी अपन बैठे हैं यहाँ फाउंटेन के पास, यहाँ तो अब मैं दिखाने जाऊँगा आपको यहाँ डिफरेंट वेराइटीज़ के पेड़ पौधे प्लांट्स जो भी है सब देखो। यहाँ पे इस वैरायटी का भी है, इस वैरायटी का भी, ये सेम है, ये तो सेम ही ये भी सेम है, वो भी सेम है, सारा सेम है। ये इस तरफ, या इस वैरायटी का भी है, ये डिफरेंट वैरायटी है,
वैसे है ये सेम, उग नहीं पाया थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे बहुत वैरायटी है आप आके। और उधर भी कुछ गमलों में, हाँ वहाँ पे भी वो रखे हुए हैं, उधर गमले रखे हुए हैं उस साइड पे, ये देख सकते हो। अरे अरे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए भी है, अभी ट्राई करने जा रहे हैं हम भी अंदर, देखते हैं क्या है, कुछ है फैसिनेटिंग या नहीं। सभी को घूम के अच्छा लगा होगा हमारे थ्रू, हमारे ब्लॉग में। अभी मैंने एक चीज ट्राई भी करी थी, और इसने भी ट्राई करी थी, बट हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि पार्क क्लोज होने वाला है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे, हाँ कुछ चीजें अलाउड नहीं है, 6:30 तक बंद हो जाता है पार्क, लेकिन उसको बहुत मजा आया। जब भी आप घूमने आए दोपहर के टाइम पे आ जाओ, 12 बजे के आसपास, 4-5 घंटे आराम से टाइम पास हो सकता है, घूम के जाओ। सो संडे मौज में कट गया, बाय गाइस, कत्ती कत्ती मौज में।